वर्तमान में जल का संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में जल संरक्षण हेतु सरकार ने कवायद तो शुरू कर दी है। वन विभाग के माध्यम से इस दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत वन वृत्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भूमि चिह्नित कर लाखों लीटर पानी की क्षमता वाले तालाबों का निर्माण किया जाएगा। इसी कड़ी में धर्मशाला में वन अधिकारियों व कर्मियों की ट्रेनिंग के लिए कार्यशाला का आयोजन CCF वन वृत्त धर्मशाला DR कौशल की अध्यक्षता में किया गया। DR कौशल ने बताया कि वन विभाग ने इसके तहत सॉयल कंजर्वेशन वाटर भंडारण योजना के तहत काम शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि इसी के तहत सरकार के द्वारा निर्देश के अनुसार कुछ क्षेत्र चिन्हित करने का निर्णय लिया गया है, जहाँ बड़े स्तर पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे। ऐसे गहरे तालाब बनाए जाएंगे जहां लाखों लीटर पानी स्टोर किया जा सके। ऐसे स्त्रोतों को भी आगामी समय में जल शक्ति विभाग को दिया जाएगा, जिस पर निर्णय लिया जा रहा है कि हर वन वृत्त में वरिष्ठ अधिकारी, जियोलॉजिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट, फॉरेस्ट की टीम, इंजीनियरिंग विंग के लोग जाएंगे और साइट को टेक्निकल तौर पर विजिट करेंगे और वाटर हार्वेस्टिंग का एस्टिमेट तैयार करेंगे। DR कौशल ने बताया कि वर्कशॉप में फॉरेस्ट गार्ड, डिप्टी रेंजर्स, रेंज ऑफिसर्स, ACF, DFO को ट्रेनिंग के दौरान किस तरह से स्थान चिन्हित करना है और क्या एस्टिमेट बनाने हैं, तकनीकी पहलू क्या होंगे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। योजना के तहत इन तालाबों का निर्माण हो जाता है तो बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ पानी की समस्या रहती है उसका भी समाधान होगा। आपको पता है कि आजकल का जो महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है हर क्षेत्र में वो पानी है। पानी का संकट जो है गहरा रहा है, तो पानी को किस तरह से संरक्षण करें इसमें सरकार जो है भरसक प्रयास कर रही है। और उसी कड़ी में पर्वत धारा स्कीम, कैच द रेन स्कीम और ये जो आपका जल भंडारण स्कीम और हमारे सॉयल कंजर्वेशन के जो काम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वो जो चले हुए हैं। तो जल भंडारण एक जो स्कीम को नाम दिया गया, जितने भी आज तक हमारे सॉयल कंजर्वेशन के काम हुए या वाटर कंजर्वेशन के काम हुए, उसमें कुछ लिमिटेशंस होती थी, कितना बजट है और इस हिसाब से इसमें काम करना है। इस बार सरकार ने कुछ अलग सोचा और ये कोशिश करी कि कुछ क्षेत्र हम चिन्हित करें और उन क्षेत्रों को चिन्हित करके बड़े वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हम बनाएँ, बड़े तालाब बनाएँ जिसमें पाउंडेज ऑफ वाटर इन लैक्स हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लीनियर पाउंडेज ऑफ वाटर और डीप जो पाउंडेज ऑफ वाटर है वो बढ़े और उन जलाशयों को हम जो है जल शक्ति विभाग को भी हम सोर्स के रूप में आगे देंगे। एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको वो भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी पर्पज़ के लिए उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। तो तय किया गया कि हर सर्कल में, हर वन वृत्त में कुछ एक स्ट्रक्चर जो हैं, सीनियर ऑफिसर्स मौके पे जाएंगे, जियोलॉजिस्ट जाएंगे, हाइड्रोलॉजिस्ट जाएंगे, फॉरेस्ट की टीम जाएगी, इंजीनियरिंग विंग जाएगा और पूरा टेक्निकली उसके साइट को सिलेक्ट करके एस्टीमेट बना करके। और मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको कि धन की इसमें कोई कमी नहीं है। जो मौके के हिसाब से जो भी वाटर सेट का ट्रीटमेंट का और जो उस पाउंड का या वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का खर्चा आएगा वो जो दिया जाएगा। तो ये पहल की है इस बार और हमने उसी कड़ी में यहाँ धर्मशाला वन वृत्त में फॉरेस्ट गार्ड, डिप्टी रेंजर्स, रेंज ऑफिसर्स, ACFs और DFOs उनको ट्रेनिंग देने के लिए कि करना क्या है, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं स्थान चिन्हित करने में, कैसे एस्टीमेट बनाने हैं और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए कार्यशाला का जो एक दिवसीय आयोजन किया गया है और कुछ एक्सपर्ट्स हमने हाइड्रोलॉजी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बुलाए हैं, तो उसी संबंध में आज यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ये जलाशय अगर हमारे पाउंड्स बन गए तो मेरा मानना है कि बहुत सारे एरियाज में पानी की समस्या जो हल हो जाएगी।